Now, next question. What you have to fill? You have to fill A or an. You have to see the first letter of the word. First letter of the word. Dash umbrella is on the shelf. First letter is U. Dash umbrella. Hana? What will come? An. An aeroplane flies in the sky. Anamika is dash small girl. S is a consonant. तो जो कॉन्सोनेंट हो गया उसके आगे हम क्या यूज करते हैं? ए. क्या बोलते हैं इसको? ए. अनामिका इज अ. व्हाट डू वी स्पीक? अ. इट इज एन अर्न. ए एन यू आर एन अर्न. इट इज एन अर्न बिकॉज यू इज अ वाउल. शी वॉन्ट्स डैश ऑरेंज. ए एन ऑरेंज के आगे क्या आएगा? ए एन एन. शी वॉन्ट्स एन ऑरेंज. I have dash big bag. आपके पास एक क्या है? Big bag. तो B क्या होता है? Consonant. तो consonant के आगे क्या आता है? A. A duck is in the pond. ठीक है? Now, अब कुछ sentences हैं, ये देखिए. Use the correct article. आपको ये बताना है कि ये wrong है या फिर right है. और जो wrong है आपको ठीक करना है. आर्टिकल्स को देखना है कि ए और एन ठीक से यूज किए गए हैं या नहीं किए गए. ठीक है? एन पेंसिल इज यूज्ड फॉर राइटिंग. एन एन इज रॉन्ग ना, बिकॉज पी तो क्या होता है? कॉन्सोनेंट. और कॉन्सोनेंट के आगे तो हम क्या यूज करते हैं? अ. क्या यूज करते हैं? अ. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? अ. आप क्या लिखोगे? अ पेंसिल इज यूज्ड फॉर राइटिंग. बस आप. Now see next. Give him a orange. आपने कौन से वर्ड पे फोकस करना है? जहाँ पे ए लिखा है या एन लिखा है. ठीक है? आपने उस वर्ड को और उसके साथ वाले वर्ड को अंडरलाइन करके देखना है कि ये राइट है या रॉन्ग है. अ ऑरेंज. अब अ ऑरेंज होता है? नहीं ना. एन ऑरेंज होता है बिकॉज ओ इज अ वाउल. ओ इज अ वाउल. देन व्हाट यू विल राइट? गिव हिम एन ऑरेंज प्लीज. नेक्स्ट. John wants to wear an uniform. अब an uniform. See what is this? What is the sound of U? A. But uniform an is with uniform. It is wrong because you have to see the sound also. So what will come here? John wants to wear a uniform. ठीक है? We have an holiday today. तो what will come here? Because H is a consonant. What will come here? A holiday. We have a holiday today. ठीक है? Next. Cross the box. A or an has not been used correctly. अब आपको check करना है A or an rightly used है या नहीं है. An orange. ठीक है ना? Cross उसको करना है जहाँ पे वो wrong होगा. A duck. An igloo is right. An car, it is wrong because C is a consonant. An flower, wrong because F is a consonant. A apple, wrong because A is a vowel. ठीक है? Now next question. अब भी आपको ऐसे करना है. You have to see that the sentence is right or not. And the king wears an crown or a crown? A crown. Because C is a consonant. आपको क्या करना है? A या an के साथ वाला word देखना है कि वो vowel है या consonant है. A boat, an boat, floats on water. A boat floats on water. Because B is a consonant. I eat an apple. I want to eat an ice cream or a ice cream? An ice cream. She likes to eat a orange or an orange? An orange. Grandma is carrying a umbrella or an umbrella? An umbrella. Akhil is an architect because A is a vowel. तो हम vowel के आगे क्या use करते हैं? An. There is a eagle or an eagle in the sky? An eagle. ठीक है? नेक्स्ट ऑल्सो यू हैव टू रीड कि ब्लैंक के बाद जो भी वर्ड है वो वाउल है या कॉन्सोनेंट है.
यू हैव टू रीड वाउल है या कॉन्सोनेंट है और उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप्स करने हैं. माई ब्रदर राइट्स विथ डैश पेन अ पेन बिकॉज पी इज अ कॉन्सोनेंट बी इज अ वाउ कॉन्सोनेंट सो वॉट विल कम हेयर अ ही इज प्लेइंग विद अ बॉल डैश एरोप्लेन फर्स्ट वर्ड इज ए सो वॉट विल कम हेयर एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई वी सॉ डैश ओल्ड लायन इन द जू एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड वन An owl is a night bird because O is a vowel, तो owl से पहले क्या आएगा an और n is a consonant, तो consonant से पहले a. You have to see Phillips and the next word. And what you have to do here, you have to draw one picture of vowel and consonant. आप an किसके साथ use करते हो vowel के साथ और vowel का कोई भी word choose करके आपको कोई भी drawing बनानी है. एंड हेयर ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट का कोई भी लेटर चूज करके आपको एक ड्रॉइंग बनानी है. सो हेयर कम्स विद द एंड ऑफ द चैप्टर ए एंड एन यू हैव टू डू इट इन योर बुक एंड विल मीट टुमोरो टिल देन बी सेफ बी एट होम बाय एवरीवन.